Please take your seats. Let's have some peace in the house. Madam Speaker, I beg to move, with your permission, the following motion: that despite repeated discussions on price rise in the House, the burden of price rise on the common man is continuing. Expressing deep concern over price rise, this House calls upon the government to take immediate effective steps to check inflation that will give relief to the common man. Madam Speaker, this House has been forced to discuss the burden imposed on the common man, on the Aam Aadmi, अरे मां मुलायम सिंह जी जरा तो थोड़ा सा धैर्य तो रखिए, वो हिंदी में ही बोलेंगे, हिंदी में ही बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, किसी की भाषा में बोलेंगे, अच्छी बात है, भाषा में बोलेंगे। मैडम, महंगाई के ऊपर संतुष्ट, मैडम महंगाई के ऊपर इस सदन में यह चर्चा शायद 12वीं चर्चा है पिछले 7 वर्ष। लगभग हर सेशन में महंगाई के ऊपर चर्चा होती रही है किसी न किसी नियम के अंतर्गत, और जैसा मैंने अपने प्रस्ताव में कहा है कि ऐसे लगता है जैसे चर्चा हुई, बात आई, बात गई, उसका असर कहीं देखने को नहीं मिला, उसका असर देखने को नहीं मिला, और इसीलिए इस बार का जो प्रस्ताव है उसमें यह साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि दिस हाउस कॉल्स अपॉन द गवर्नमेंट टू टेक इमीडिएट इफेक्टिव स्टेप्स टू चेक इन्फ्लेशन दैट विल गिव रिलीफ टू द कॉमन मैन, यानी कि सरकार इस बार की चर्चा के बाद जरूर ऐसे कदम उठाएगी जिससे आम आदमी को महंगाई की मार से राहत मिलेगी। और मैं गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूं मैडम कि यह सदन केवल एक टॉकिंग शॉप नहीं है, हम सिर्फ यहां पर आकर अपनी बात रख दें, उधर की बात सुन लें, ये तो स्कूल के डिबेट में भी होता है, ये सदन स्कूल का डिबेट करने के लिए नहीं है, ये सदन सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए है कि सरकार इस सदन की आवाज सुने, सरकार यहां जो सुझाव दिए जाते हैं उस पर अमल करे और सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई करे। और इसीलिए मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि हम ये चर्चा करेंगे आज, रूल 184 में चर्चा हो रही है, उसके बाद इस पर मतदान होगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि इस चर्चा के बाद ये जो हम मानसून सत्र में चर्चा करेंगे और फिर जब हम अगली बार मिलेंगे विंटर सेशन में, शीतकालीन सत्र में, तो उस समय सरकार ये सुनिश्चित करे कि दोबारा महंगाई के ऊपर इस सदन में चर्चा करने की आवश्यकता हो ही नहीं, यानी कि
महंगाई के ऊपर निश्चित रूप से नियंत्रण आया जाएगा और खास तौर पर जो खाद्यान्नों की महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन है, रसोई में आग लग गई। अब कोई कहे कि रसोई में आग नहीं जलेगी तो खाना कैसे बनेगा, इसलिए रसोई में आग तो लग जलेगा, आग जलने और आग लगने में अंतर है, क्योंकि आज गृहिणी आग जला नहीं रही है, उसकी रसोई ही जल गई। हर चीज रसोई की उसकी पकड़ के बाहर हो गई, आग जलाने वाली चीज को छोड़कर, और यहां तक कि आग लगाने वाली चीज जो है एलपीजी वो भी मांगी हो। और इसीलिए मैं इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। सदन ने सरकार पर दबाव डाला, मेरे पास ये एक स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस, जब हमारे विद्वान मित्र डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उसके अध्यक्ष थे, तो दिसंबर 2009 में उन्होंने महंगाई के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा, मैं पढ़ रहा हूं, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग प्राइस पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एट मैक्रो लेवल हैज ऑब्वियसली फेल्ड टू इंटरवीन टाइमली एंड स्क्वायरली टू एड्रेस दिस बर्निंग इश्यू विथ ड्यू सीरियसनेस। इन सच ए डिस्मल सिनेरियो द कमिटी कैनॉट बट अर्ज द गवर्नमेंट टू ओवरकम इट्स इनर्शिया एंड कम टू ग्रिप्स विद अ रियालिटी ऑफ अनअबेटेड राइज इन द प्राइसेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। द कमिटी वुड देयरफॉर स्ट्रांगली रिकमेंड दैट ए कॉम्प्रिहेंसिव फूड प्राइसिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसी बी फॉर्मुलेटेड नॉट ओनली टू प्रोवाइड मच नीडेड रिलीफ टू द कॉमन मैन बट ऑल्सो एज एन एंटीडोट फॉर द ग्रोइंग इकोनॉमिक इम्बैलेंसेज इन द कंट्री। ये दिसंबर 2009 में वित्त समिति जो इस संसद की है उसने अपने रिपोर्ट में कहा, और अब आप देखिए उसने कहा कि एक पॉलिसी बनाओ। क्या हुआ उस पॉलिसी का? कॉम्प्रिहेंसिव फूड प्राइसिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसी। दो साल बीतने जा रहे हैं, कहां है वो कॉम्प्रिहेंसिव फूड प्राइसिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसी? क्या सरकार आज इस सदन में बताएगी कि ये जो रिपोर्ट मेहनत करके सर्वदलीय समितियां पेश करती हैं उसको कोई सरकार में पढ़ता भी है, उसका कोई कॉग्निजेंस लेता है, या हम लोग कमिटियों में काम करके रिपोर्ट बना के आपके माध्यम से सदन में पेश कर देते हैं और उसके बाद वो रद्दी की टोकरी में चला जाता है या रद्दी में बिक जाता है? मैडम, इस सदन में मुझे खुशी है कि आज की इस चर्चा को सुनने के लिए हमारे आदरणीय अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री उपस्थित हैं। उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि अर्थशास्त्र में महंगाई को गरीबों के ऊपर सबसे घटिया किस्म का टैक्स कहा गया है, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन ऑन द पुअर इज प्राइस टैक्स, बिकॉज वो बच नहीं सकता इससे। इसीलिए
गरीबों की मार जो है, गरीबों के ऊपर इसकी मार, वो सबसे भयानक होती है। कैसे, मैं बताता हूं। वित्त मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, इस साल के बजट में उन्होंने कहा है कि जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है भारत सरकार का, वो करीब होगा 6.5 लाख करोड़, 6,64,000 करोड़, 6.5 लाख करोड़। दो साल पहले 4.5 लाख करोड़ था। अब सुनिए ये आंकड़ा, एक रिपोर्ट बनाया है क्रिसिल, एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो आर्थिक विषयों पर रिसर्च करती है, रिपोर्ट बनाती है। क्रिसिल का अभी एक रिपोर्ट आया है कि पिछले 3 वर्षों में, यानी कि 2008-2009 से लेकर 2010-2011 तक, महंगाई के चलते जो हमारा हाउसहोल्ड बजट है, जो हाउसहोल्ड्स हैं, उन्होंने लगभग 6 लाख करोड़ रुपया अधिक खर्चा किया। क्या मतलब हुआ कि अगर महंगाई को हमने कंट्रोल किया होता 5% पर, तो ये उनके ऊपर भार नहीं पड़ता। लेकिन महंगाई इन 3 वर्षों में 8% या उससे ऊपर रही, 20% भी गई, तो ये जो 3% का अंतर आया, इस 3% के अंतर के चलते आपके जेब से, हमारे जेब से और गरीबों के जेब से 6 लाख करोड़ रुपया अधिक खर्चा हुआ, यानी कि 2 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष। यानी कि आप 6.5 लाख करोड़ रुपया टैक्स, सरकारी टैक्स वसूल कर रहे हैं और 2 लाख करोड़ रुपया इस टैक्स के माध्यम से आपके पास है। आप सोचिए, लगभग 1/3 सरकारी रेवेन्यू का इन्फ्लेशन के चलते, महंगाई के चलते गरीब और इस देश की जनता को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 2 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष। मैं बताऊंगा कि ये कहां जा रहा है। अब आप कहते हैं कि हम तो इंक्लूसिव ग्रोथ में विश्वास करते हैं, ग्रोथ ऐसा जो सबको समेट के चले, बहुत अच्छा है। ये नारे बदलते रहे, फर्स्ट 5-year plan से लेकर आज तक ये नारे बदलते रहे हैं। कभी हमने कहा ग्रोथ विथ इक्विटी, कभी हमने कहा ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, कभी हमने उसको कोई और नाम दिया, आज हम उसको नाम देते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। हां, कभी गरीबी हटाओ का नारा भी इस देश में चला था। अब अभी गरीबी के ऊपर और गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के ऊपर इसी सदन में एक प्रश्न आया और बहुत शोर शराबा हुआ। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक रिपोर्ट आया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो रिपोर्ट आया है उसमें यह कहा गया है कि भारत में ये जो पिछले 20 महीनों में जिस दर की महंगाई रही है, और खास करके फूड इन्फ्लेशन, खाद्यान्नों की महंगाई, उसके चलते 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले, 5 करोड़ लोग। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कई एशियाई देशों का अध्ययन किया और उसके बाद ये कहा कि 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए इस महंगाई के चलते, और पांच करोड़। अब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसमें गरीब को शामिल करने की बात कर रहे हैं। हम बहुत गर्व करते हैं इस बात पर कि देश अब एक दूसरे पैराडाइम में चला गया, दूसरे जोन में चला गया,
हम आज 8-9% से ग्रो कर रहे हैं प्रतिवर्ष, और ग्रोथ से गरीबी घटेगी, गरीब की संख्या घटेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने महंगाई के ऊपर नियंत्रण नहीं पाया तो उसका यही नतीजा होगा जो एशियाई विकास बैंक ने कहा है, यानी कि और अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जाएंगे, गरीबी घटेगी नहीं। मेरे पास इस साल का ये आर्थिक सर्वेक्षण है वित्त मंत्री जी, जो आप ही ने पेश किया था सदन में, और आप जानते हैं कि ये आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे आंकड़ों का भंडार है। इसी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जो बॉटम क्विंटाइल है, सबसे नीचे का 20% इस देश में आबादी का, वह अपनी आमदनी का 67% फूड पर खर्च करता है। 67% उसकी आमदनी का फूड के ऊपर खर्च होता है, खाने के ऊपर खर्च। और अगर रसोई में आग लगी है तो उस 20% की क्या हालत हुई, हम ऊपर के 20% को भूल जाएं, बीच के 20% को भूल जाएं। ये जो 20% लोग हैं जिनके लिए हम लोगों ने अंत्योदय अन्न योजना चलाई थी, वो 20% लोग आज महंगाई की मार सहते सहते मिट्टी में मिल गए, थूल में मिल गए। मैं देखता हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हजारीबाग में, जो बेचारा रोज कमाता है, रोज खाता है, आज वो बाजार में कुछ भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। वो शिकायत करता है मुझसे आकर, बाबू मैं क्या खाऊं, मैं परिवार कैसे चलाऊं, और मेरे पास उसको समझाने के लिए कोई तर्क नहीं है, क्योंकि मैं उसको ये नहीं कह सकता हूं कि देश जो है वो 8% से ग्रो कर रहा है तो तुम उसी ग्रोथ को खा लो, वो ग्रोथ खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। लेकिन ये कैसा ग्रोथ जो उसे ही खा रहा है। और मैं बहुत गंभीरता से वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट के जितने लोग बैठे हैं और रूलिंग पार्टी के लोग बैठे हैं यहां पर, सबसे कहना चाहता कि आज इस सदन में, आज या कभी भी, आप गंभीरता से विचार कीजिए कि हम किस प्रकार का ग्रोथ चाहते हैं, किस प्रकार का आर्थिक विकास चाहते हैं इस देश में। मैं सिरे से खारिज करता हूं इस थ्योरी को कि किसी भी कीमत पर ग्रोथ होना चाहिए। अगर ग्रोथ का मतलब है महंगाई तो ऐसा ग्रोथ हमें नहीं चाहिए, और मैं जोर देकर इस बात को कह रहा हूं कि नहीं चाहिए हमको ऐसा ग्रोथ। एक तरफ ग्रोथ, किसके लिए ग्रोथ, मैं आऊंगा उस पर, और एक तरफ गरीब जो है वो भूखमरी का शिकार हो डेली बेसिस पर, क्या हम इस तरह का देश बनाना चाहते हैं, सोचना पड़ेगा। और मैं बहुत गंभीरता और अदब से इस सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ग्रोथ के पीछे आप जो पागल हो रहे हो, दीवाने हो रहे हो, उस दीवानगी को थोड़ा कम करो, नियंत्रण में लाओ। यहां हमारे गृह मंत्री जी नहीं हैं, आंकड़ों के माहिर हैं, वो कहते हैं तुम्हारे टाइम में 5.8% ग्रोथ हुआ, हमारे टाइम में 8% ग्रोथ हो रहा है, और वो भूल जाते हैं कि हमारे टाइम में महंगाई के ऊपर किस तरह का कठोर नियंत्रण था और आज कैसे हमने उस नियंत्रण को तोड़ दिया। 7 रुपये चीनी मिलती थी, 18 रुपये 20। नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। ग्रोथ विथ मॉडरेट इन्फ्लेशन इज एक्सेप्टेबल। अगर इन्फ्लेशन, अगर
कीमत बढ़ती कीमतों को हम रोकने की ताकत रखते हैं तो ग्रोथ करो, लेकिन ग्रोथ के साथ अगर इनेविटेबल है बढ़ती कीमतें तो मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि हमें ऐसा ग्रोथ नहीं चाहिए, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब यह बात आती है कि भाई मैंने कहा क्या यह सदन लाचार है, क्या सरकार लाचार है, क्या हम इस बढ़ती हुई महंगाई के सामने हम सब लाचार हैं? मेरा मानना है कि हम लाचार नहीं हैं। मेरा मानना है कि अगर हम सब मिलकर चाहें और सरकार हमारे सुझावों के ऊपर गंभीरता से ध्यान दे तो महंगाई को 2 महीने के भीतर नियंत्रित किया जा सकता है, और मैं बताऊंगा वो उपाय। लेकिन सब कोई ना केवल लाचार हैं बल्कि ऐसा लगता है जैसे तीन कर्तव्य विमूढ़ हैं, ऐसा लगता है कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, असहाय है, असहाय सरकारें किसी का भला नहीं करती हैं, सरकार कभी असहाय नहीं हो सकती है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ एक दूसरा फेनोमेनन है जिसको इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन कहते हैं। आप अपने बयानों से उस इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन को और बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहें, वित्त मंत्री कहें, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कहें, क्या कहते हैं, हर 2 महीने पर कहते हैं अगले 2 महीने में महंगाई के ऊपर हम कंट्रोल कर लेंगे। हर 2 महीने के बाद फिर कहेंगे अगले 2 महीने में। और जो मुनाफाखोर है वो समझता है चलो 2 महीने की मोहलत मिल गई, अब 2 महीने तक हम जैसे चाहें लोगों को चूसेंगे, जितना चाहें कीमत बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 2 महीने तक महंगाई नियंत्रण में नहीं आई। आज इस सदन से संदेश जाना चाहिए कि अगले 2 महीने में हम महंगाई के ऊपर नियंत्रण जरूर पाएंगे और कल से सरकार कदम उठाना शुरू कर, कल से, फ्रॉम टुमारो। यू शुड हैव डन इट यस्टरडे बट प्लीज डू इट फ्रॉम टुमारो। लेकिन कैसे पाएंगे इसके पीछे आपको तो ये देखना पड़ेगा ना कि महंगाई के पीछे कारण क्या है, तभी तो उन कारणों को आप दूर कर सकते हैं महंगाई को दूर करने के लिए। अब एक कारण जो कहा जाता है जो कि अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने भी कहा, हमारे देश में भी ये प्रचलित हो गया कि लोग खाना ज्यादा खा रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ गई, लोग खा रहे हैं ज्यादा, खा रहे हैं ज्यादा, अब आप देखिए कि क्या है कि एक तरफ हम ये भी दावा कर रहे हैं, मैं फूड ग्रेन्स की बात कर रहा हूं, खाद्यान्न की बात कर रहा हूं, कि एक तरफ तो हम ये दावा करते हैं, कृषि मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, कृषि मंत्री महोदय हर मौसम के बाद, कृषि के मौसम के बाद दावा करते रहे हैं पिछले वर्षों में, और आंकड़े भी ये बताते हैं कि रिकॉर्ड फूड ग्रेन उत्पादन, रिकॉर्ड 240 मिलियन टन का आंकड़े पर हम आज पहुंच गए, बम्पर क्रॉप हो रहा है। और देश की आबादी बढ़ी है जरूर, लेकिन इसलिए मैं ये इकोनॉमिक सर्वे लेकर आया, इसमें एक आंकड़ा है
पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस। और अगर आप उठाकर देखें इसको तो आप पाएंगे कि बढ़ती आबादी के बावजूद जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन्स का वो कम नहीं हुआ है, वो अभी भी लगभग उतना ही है बल्कि कुछ ज्यादा ही है जितना आज से 20 साल पहले। 400 ग्राम्स गिव 5% माइनस दिस वे दैट वे, 400 ग्राम्स पर कैपिटा पर डे इज द अवेलेबिलिटी। और ये अवेलेबिलिटी है, आप आंकड़े उठाकर देखिए, आप ही के आंकड़े मैं बता रहा हूं कि चाहे वो चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कोर्स ग्रेन्स हो, हर में आपने कहा जरूरत कितनी है इस साल और हमने कितना पैदा किया। आप कुछ ज्यादा ही पैदा कर रहे हैं, 2-3 मिलियन टन, कम पैदा नहीं कर रहे। तो इसलिए अधिक खाने वाला आर्गूमेंट कहां से आ रहा है? ये इस देश के किसानों के अंदर ये सामर्थ्य है कि पूरे देश की आबादी को वो खिला सकें, यह है। आप थोड़ी सी उनकी मदद कर दें तो, लेकिन जमीन ले लो ट्रस्टों के लिए। अब देखिए, मैंने दूसरा आंकड़ा देखा मैडम कि सरकार क्या प्रोक्योर कम कर रही है, सरकार के गोदामों में क्या अनाज कम हो गया। अब देखिए 2007-2008 में आपने 40 मिलियन टन अनाज प्रोक्योर किया, 2008-2009 में आपने 57.7 मिलियन टन अनाज प्रोक्योर किया और 2009-2010 में आपने 57.2 मिलियन उसी के आसपास आपने फिर भी प्रोक्योर किया। प्रोक्योरमेंट में कहीं कमी नहीं है, किसान आपको अनाज दे रहा है और आपके गोदामों में अनाज भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। आज पता नहीं 66 मिलियन टन, मिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, नहीं, यू डोंट डील विद दैट एनी मोर, शायद 66 मिलियन टन, शायद 67 मिलियन टन, 65.5 मिलियन टन इज द ग्रेन क्वांटिटी ऑफ ग्रेन लाइंग इन गवर्नमेंट गोडाउन। 6.5 करोड़ टन अनाज गवर्नमेंट के गोदाम में आज पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का भाटो। और मैं आपके आर्थिक सर्वे पेज 37 इससे कोट कर रहा हूं। मंत्री भी जा रहे हैं, उधर बैठो। आप सुनिए, क्यों आप क्यों बोल रहे हैं? बैठिए। 2000 नहीं नहीं हमको कोई उसमें नहीं है, लालू जी को ब्रीफ कर देना। इकोनॉमिक सर्वे मैडम 2010-11 हैज दिस टू से, and I am quoting clearly, given that the last fiscal year was one of the high food grain price inflation, we would have expected lower than usual procurement and larger offloading. agar high inflation tha to kam procurement hota aur larger offtake hota, but neither of these happened. Evidently, there is ample scope for improvement in our strategy of food grain releases. The current practice has some systemic flaws. And now I'm coming to the crux of the matter. Jo iski iska saar hai, trying to ensure that procured food is not released at a price which inflicts too large a loss on government
वी हैव ऑफन प्राइस्ड इट सो हाई दैट देयर वर नो बायर्स. नॉट रिलीजिंग फूड ग्रेन्स डिफीट्स द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग डाउन मार्केट प्राइसेस. आपने अभी का इकोनॉमिक सर्वे को कि आपने कीमत इतनी ऊंची रखी कि कोई खरीदार नहीं है, और ये जो आप यूज कर सकते थे इस स्टॉक को टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस, वो आपने इसलिए नहीं किया कि इससे सरकारी घाटा बढ़ेगा तो लोग मरे, लोग भूखे रात को सो जाएं, लेकिन सरकारी घाटा नहीं बढ़ना चाहिए. फिर भी बढ़ रहा है, मैं उसी पर आता हूं, फिर भी बढ़ रहा है. क्या हो रहा है 2007-8 मैडम, द गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट, आई एम कोटिंग एक्चुअल फिगर्स, द गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट वॉज 1,27,000 करोड़. 1,27,000 करोड़ गवर्नमेंट का राजकोषीय घाटा था. ये अगले साल उसके 2008-09 में बढ़कर कितना हो गया, 3,37,000 करोड़ वॉज द गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट. In 2009-10, it was 4,18,000. And it continues. I think in this budget, the finance minister has had projected a figure of 4,12,000, 4,13,000 crore, to which he has added 9,000 crore in terms of cash output yesterday. So, sarkari ghata, jo lagbhag 1,25,000 crore tha, वो बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 4,00,000 करोड़ को पार कर, और एक ही साल में आपने 2,00,000 करोड़ रुपया और ज्यादा इंजेक्ट किया सरकारी घाटे से इनटू द इकोनॉमी. और आपने हमको समझाया, देश को समझाया कि ये स्टिमुलस था, ये उत्साह वर्धक कदम थे किस क्राइसिस से निपटने के लिए, तो जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल क्राइसिस हुआ था उससे निपटने के लिए हमारा जितना घाटा बढ़ा उसको तुम मान लो कि ये स्टिमुलस था. सबको स्टिमुलस मान लो, हर लोगों ने, हर सरकार ने, हर सरकार ने इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से उबरने के लिए उपाय किए. किसी ने घाटे को कम करने का किया जैसे यूके ने किया, कुछ लोग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पर चले कि और ज्यादा खर्च करो, डिमांड बढ़ाओ. हमारी सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाया कि घाटा बढ़ाओ और उससे डिमांड बढ़ेगा, और सबको स्टिमुलस मान लिया. अब मैं आपसे, आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं मैडम, कि हम लोगों के समय में एक फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था. फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि सरकारी घाटे को नियंत्रण में कैसे रखा जाए. मैं प्रशंसा करूंगा इस सरकार का, यूपीए 1 का, जिन्होंने सरकार में आने के बाद उसको नोटिफाई किया. पार्लियामेंट का कानून है, और नोटिफाई करने के बाद उस पर अमल करना शुरू किया. अमल करते करते उसमें यह था कि आप जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको आप शून्य पर लाएंगे और फिस्कल डेफिसिट को 2-3% के आसपास रखेंगे. ठीक है, अब आपने जो, इन्होंने जिसको आप ये स्टिमुलस कह रहे हैं उसमें क्या किया आपने, ये जो आपने बढ़ा दिया 2-3,00,000 करोड़ रुपए से अपना घाटा, वो आपने रेवेन्यू अकाउंट में बढ़ाया, और आपका जो रेवेन्यू घाटा है वो आपके फिस्कल घाटे का 75.2% हो गया इन 2008-09 एंड 80.7% हो गया इन 2009-10. नाउ द
फाइनेंस मिनिस्टर इज स्ट्रगलिंग टू ब्रिंग इट डाउन एंड इस बजट में उन्होंने कहा है 72.5% होगा। अब मैं एक सिंपल बात आपसे कहना चाहता हूं, इसमें कोई अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सरकार के एक मंत्री के अनुसार हम लोग वी आर नॉट इवन पीपल विथ एवरेज इंटेलिजेंस, लेकिन हर एवरेज इंटेलिजेंस का व्यक्ति जानता है, उसको अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, राजस्व खर्च, वह अनप्रोडक्टिव होता है, उससे उत्पादन नहीं बढ़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उससे उत्पादन बढ़ता है। और आपने अगर स्टिमुलस में खाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो जाहिर है कि उससे उत्पादन नहीं बढ़ा। अब कोई भी सोच सकता था ना, उसको सोचना चाहिए था कि अगर इतना ज्यादा पैसा हम लोगों के हाथ तक पहुंचा रहे हैं तो उसका डिमांड जो जेनरेट होगा उसको मीट करने के लिए हमको कुछ कदम उठाना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट को हमको प्रमोट करना चाहिए ताकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हों और उससे इस मांग की पूर्ति हो सके। हालांकि ये भी मैं बता दूं आपको कि वो जो 2 लाख करोड़ रुपया सरकार ने अपने घाटे का बढ़ाया वो वापस दूसरी तरफ से गया, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष महंगाई की मार के अंतर्गत लोगों की जेब से गया। यही हुआ कि सरकारी खजाने में नहीं गया, वो गया जमाखोरों के पास, वो गया मुफ्तखोरों के पास, वो गया रिश्वतखोरों के पास, वो गया मुनाफाखोरों के पास, वो सब उधर गया। तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और डिमांड बढ़ेगा तो मिसमैच होगा, महंगाई बढ़ेगी, इनेविटेबल है। मेरे जैसे मंद बुद्धि का व्यक्ति भी इस बात को समझ जाएगा। तो आपने नहीं लिया। और सबसे मैडम, सबसे तकलीफ की बात क्या है, सबसे तकलीफ की बात है कि जब ये चल रहा था, महंगाई चरम सीमा पर थी, लोग बिलबिला रहे थे, उस समय सरकार ने रिपीटेडली बार बार पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का और एलपीजी का बढ़ा दिया। अब आप कहिए आप भी बढ़ाते थे? हाँ बढ़ाते थे, लेकिन आप हमारे समय के महंगाई के आंकड़े उठा के देख लीजिए, अपने समय के महंगाई के आंकड़े। जब आग लगी हो तो उसमें आप तेल डालने का काम करेंगे? यही डाला आपने, महंगाई की आग लगी हुई थी और उसमें आपने पेट्रोल और डीजल डालकर उसको और भड़का दिया। रसोई गैस, मिट्टी का तेल। मैं आपको बताऊं एक कहानी, और वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं क्योंकि वो चुनाव लड़ते हैं। 2004 में वित्त मंत्री जी जब चुनाव थे ना, तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रहा था, बहुत हम भी किसी खुशफहमी में थे देश के, हम विदेश मंत्री थे, बड़ी हमारी फोटो छपती थी जैसे आज कृष्णा जी की फोटो छपती है। मैं घूम रहा था हजारीबाग में, गांव वोट देना। आप जानती हैं, एक दूर दराज गांव में एक महिला ने हमको रोका और उसने कहा, बाबू मिट्टी के तेल के दमवा तो आप बहुत बढ़ा दिए, मिट्टी के तेल का दाम बढ़ा दी। मुझे इतनी ग्लानी हुई उस दिन कि यहां बैठ के हम फिस्कल डेफिसिट, फलना डेफिसिट, ढेकना डेफिसिट ये करते रहते हैं, उस गरीब औरत की बात मैंने नहीं सुनी थी। और इसीलिए हार गया। और आज यहां बैठे हुए सारे सदस्यों से कहना चाहता हूं, अगर उसी रास्ते चलोगे तो जो मेरा हाल हुआ वही आपका। जो नहीं लड़ते हैं वो सुखी हैं, जो लड़ते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं।
और चूंकि आपने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो लिया, सरकार कुछ नहीं करेगी, तो फिर कौन करेगा? आरबीआई करेगा। इन्फ्लेशन से लड़ने की सारी जिम्मेदारी आपने आरबीआई के कंधे पर डाल दी। जब उठाना है आपको कदम, तो आपने कहा आरबीआई के पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, मुद्रा नीति। अब वो उसको कसे जाए, उसको कसे जाए। मार्च 2010 से अब तक 10 बार आरबीआई ने, 11 बार जसवंत सिंह जी मुझे करेक्ट कर रहे हैं, 11 बार आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया, 11 बार 425 बेसिस पॉइंट यानी कि 4.2% जो था उससे ये बढ़ गए और बढ़ाते बढ़ाते आज उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा, प्रधानमंत्री जी आप कभी इन लोगों के बहुत डार्लिंग हुआ करते थे, ये बिजनेस इंडिया। प्रधानमंत्री जी की फोटो है और ऊपर लिखा हुआ है नो कॉन्फिडेंस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिजनेस इंडिया कह रहा है। और उससे भी भयानक बात, मैं आपसे कह रहा था इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इसलिए प्रोडक्शन नहीं होगा, देश आर्थिक स्लोडाउन के चक्कर में फंस रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? इंडिया टुडे इसमें एक उन्होंने लिखा, गुड बाय इंडिया वेलकम वर्ल्ड। भारत के जितने मशहूर कॉर्पोरेट्स हैं उनकी फोटो इसमें, और इसमें कुछ आंकड़े जिसमें कहा गया है कि पिछले वर्ष 2010-11 में 44 बिलियन डॉलर्स भारत के उद्योगपतियों ने देश के बाहर इन्वेस्ट किया। देश के बाहर 44 बिलियन डॉलर, हमारे देश के अंदर कितना आया? 27 बिलियन आया और 44 बिलियन बाहर गया। उदारीकरण है। अब देश का उद्योगपति देश में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, देश का उद्योगपति अपने धन को बाहर ले जा रहा है। कभी हम लोग खुशी मनाते, आज हमें तकलीफ हो रही है इस बात की कि देश में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, देश के धन का बाहर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अब आप इस पर विचार कीजिए, अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत पड़े तो लगाइए। तो अब आप इस पर विचार कीजिए, अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत पड़े तो लगाइए। लिबरलाइजेशन का यह मतलब नहीं है कि देश जो है वो गरीबी में गोते खाते रहे और अमीरी हमारे देश के बाहर जाए, नहीं, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब आपने हर समय एक क्या होता है, एक मुद्दा पकड़ लेते हैं कि ये रामबाण, ये पैनेसिया, सब कुछ बड़ा ठीक हो जाएगा। ये एक कदम उठा लिया, कौन सा कदम? एफडीआई इन रिटेल। एफडीआई इन रिटेल आएगा तो जितना हमारे यहां प्रोडक्शन हो रहा है कृषि का वो बर्बाद हो रहा है, वो सब बर्बादी रुक जाएगी, कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें नीचे आ जाएंगी, देश बड़ा सुंदर भविष्य की ओर, सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर वॉलमार्ट आ जाएगा। मैं आज इस मौके का फायदा उठा के चेतावनी देना चाहता हूं सरकार, अमेरिका का दबाव है कि रिटेल में एफडीआई आए, मत झुके उस दबाव के सामने, मत झुके उस दबाव के सामने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे समय नहीं है, लेकिन अध्ययन है अमेरिका की इकॉनमी में, मेक्सिको की इकॉनमी में, कि वॉलमार्ट जैसे संस्थाओं ने कैसे बर्बाद कर दिया छोटे छोटे दुकानदारों को, कैसे बर्बाद कर दिया छोटे छोटे
मझोलों को और किसानों मत पड़िए उस चक्कर में। और जब अभी हाल में हमारे वित्त मंत्री जी गए थे यूएस, तो मैं आशा करता हूं क्योंकि वादा करके नहीं आए हूं उनसे हम रिटेल खोलेंगे। मैं जानता हूं कि सरकार को पार्लियामेंट के सामने आने की जरूरत नहीं है, और सदन को मैं बताना चाहता हूं कि वो एक आदेश निकालकर रिटेल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 51% कर सकते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन आज इस सदन के माध्यम से एक मैसेज आना चाहिए सरकार को और विदेशी निवेशकों को कि भारत उसको स्वीकार नहीं करेगा, कुछ फायदा इससे नहीं होगा, घाटा ही घाटा होगा, नुकसान होगा। अब मुझे याद है 2005 में जब कीमतें बढ़ी, हम सरकार से बाहर हुए, तो उस समय श्रीमती सोनिया गांधी, आज नहीं है सदन में, उन्होंने कहा कि ये तो फ्यूचर्स मार्केट के चलते, जो वादा कारोबार होता है उसी के चलते कीमतें बढ़ रही हैं। 2005, आज 2011, 6 साल हो गए। अगर वादा कारोबार के चलते कीमतें बढ़ रही हैं तो वादा कारोबार को आप बंद क्यों नहीं कर देते? हर जगह आप करके गए थे, अरे हम करके गए थे व्हेन वी वर मैनेजिंग इकोनॉमी ऑफ सरप्लस, जब सब कुछ इतना ज्यादा था उसके लिए हमने नीति बनाई, आज सब कुछ शॉर्टेज में है तो दूसरी नीति चलेगी, बर्बादी किया इन्होंने। और उसमें ये जो है वादा कारोबार, अगर आपका आकलन है कि उसके चलते कीमतें बढ़ रही हैं, तो फॉर गॉड से गो हैड एंड अबॉलिश इट, फॉर गॉड से गो हैड एंड स्टॉप इट, वी विल सपोर्ट यू। लेकिन सिर्फ तोहमत लगाने से नहीं होगा, आप ये करके गए, आप कॉमनवेल्थ गेम्स में उसको बना दिए, तो हम बैठे रहे 7 साल हाथ पर हाथ रख के क्या करते। मैडम, मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा उपाय क्या है, सूत्र क्या है। सूत्र है फूड इन्फ्लेशन, और जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और हम लोग कह रहे थे कि नहीं ओवरऑल इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, फलना इन्फ्लेशन, घटना इन्फ्लेशन, ये सब बड़ा अच्छा चल रहा है, उस समय मेरे जैसे साधारण व्यक्ति ने कहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ ऊपर नहीं जाता है, इन्फ्लेशन लैटरली भी ट्रैवल करता है, यानी कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो बाकी चीजों की भी कीमतों में वृद्धि होगी, इसको ध्यान में रखो। और उसको ध्यान में नहीं रखा गया, लैटरली फूड इन्फ्लेशन नाउ हैज अफेक्टेड फ्यूअल्स, इट हैज अफेक्टेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। तो इसको अगर हम पकड़े आज के दिन, सूत्र सूत्र है फूड इन्फ्लेशन, आपके पास है 65 मिलियन टन अनाज, और शायद इसी सदन में वित्त मंत्री जी को याद होगा एक दफा बोलते हुए मैंने कहा था कि सन 2002-2003 में जब मैं जून में छोड़कर चला गया था वित्त मंत्रालय और हमारे एमिनेंट कॉलीग जसवंत सिंह जी वित्त मंत्री बने थे, तो उस साल देश का सबसे भयंकर सूखा पड़ा था, रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जब से हम मानसून के रेन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं मैडम, इतना बड़ा सूखा नहीं पड़ा था देश में जितना सन 2002 में पड़ा था। और आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया, द सिचुएशन वुड हैव गॉन आउट ऑफ हैंड लाइक इट हैज टूडे गॉन आउट। हम लोगों के पास भी 65 मिलियन टन अनाज उस समय था, तो उस 65 मिलियन टन अनाज का हम लोगों ने क्या उपयोग किया, हमने अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया। आप फूड सिक्योरिटी की बात करें, अरे 2 रूपये गेहूं और 3 रूपये चावल तो हम 2002 में फिक्स करके गए, फूड सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करके गए हैं। आज आप इतने 9 वर्षों के बाद कहते हैं फूड सिक्योरिटी, और 2002 की कीमत पर हम बेचेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया, अन्नपूर्णा अन्न योजना शुरू किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की, जितने राज्यों में सूखा पड़ा था उन राज्यों को अपने गोदाम से मुफ्त गेहूं और चावल हम लोगों ने सप्लाई किया, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स के लिए लाखों टन गेहूं हम लोगों ने
उन राज्यों को दिया। डॉक्टर के एस राव यहां बैठे हैं, हमारे मित्र, उनको याद होगा कि आंध्रा में बहुत सूखा पड़ा था। चंद्रबाबू नायडू जी उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, आते थे दिल्ली, लाखों टन अनाज हम लोगों ने दिया आंध्र प्रदेश को कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू कर। इतना ही नहीं, हम लोगों ने लिबरली सरकारी गोदाम में से अपने वीट और राइस, गेहूं और चावल उपलब्ध कराया मिलर्स को, प्रोसेसर्स को, आटा बनाओ, मैदा बनाओ, सूजी बनाओ, बेसन बनाओ, ये करो वो करो, मार्केट में अनाज ठेलो। और इतना हम लोगों ने अनाज रिलीज किया मार्केट में कि 2002-2003 का रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपके आर्थिक सर्वे के मुताबिक वॉज ओनली 3.4%, ओनली 3.4%। देश की जनता को महसूस भी नहीं हुआ कि देश में इतना बड़ा सूखा पड़ा है। और आज मैं, हमारे मित्र यहां कह रहे थे जब मैं स्टॉक्स की बात कर रहा था, गेहूं सड़ रहा, चावल सड़ रहा, रोज हम देखते हैं टीवी चैनल्स में, रोज पढ़ते हैं अखबारों में कि सरकार के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है, स्टेशन पर खुले पड़ा है, कहीं खुले पड़ा है सड़क के किनारे, बोरा फट गया है, उसमें से अनाज बाहर निकल रहा है, अनाज बाहर निकल के सड़ रहा है। मैडम, सुप्रीम कोर्ट रोज सरकार को की भर्त्सना कर रहा है और हम गरीब को अनाज नहीं देंगे? हम गरीब को अनाज क्यों नहीं देते? आप भेजिए, आप अपने स्टॉक, आपका अगर 65.5 मिलियन टन है, ओवर द नेक्स्ट टू मंथ्स यू ब्रिंग इट डाउन टू 40 मिलियन टन, 25 मिलियन टन भेजिए आप बाजार में, देखिए कैसे नहीं कीमतें नीचे होती हैं। और एक दफा अगर आपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्राइसेस के ऊपर नियंत्रण पाया ना, तो मैं जितना भी मेरा अनुभव है उसके आधार पर कहूंगा कि उसका असर पड़ेगा दूसरी चीजों के ऊपर एंड जो प्राइस राइज है वो कम होगा, गरीब को राहत मिलेगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, इन्हीं के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि न्यू नॉर्मल, एक न्यू नॉर्मल है, जैसे कि बुखार होता था 98.4 नॉर्मल है, अब कोई कहे कि नहीं 200 नॉर्मल, 100 नॉर्मल, ये क्या मतलब हुआ? न्यू नॉर्मल, अर्थशास्त्री कह रहे हैं न्यू नॉर्मल, रिजेक्ट न्यू नॉर्मल, देयर इज नो न्यू नॉर्मल, दिस कंट्री विल नॉट एक्सेप्ट इन्फ्लेशन ऑफ मोर देन 3%। आई एम नॉट इवन रेफरिंग टू, और अंत में मैडम, फिर मैं इकोनॉमिक सर्वे की तरफ जा रहा हूं, लास्ट पॉइंट कोट कर रहा हूं, फॉर इंडिया टू डेवलप फास्टर एंड डू बेटर एज एन इकोनॉमी, इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू फॉस्टर द कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ये इनका इकोनॉमिक सर्वे, मेरा नहीं है। और ये कहा है इकोनॉमिक सर्वे ने, एक मिनट, ये कहा है, आई एम कोटिंग अगेन, सो वंस वी रिकग्नाइज दैट ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस आर नॉट जस्ट गुड मॉरल क्वालिटीज इन देमसेल्व्स बट क्वालिटीज विच वेन इम्बाइब बाई ए सोसाइटी लीड टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, पीपल विल हैव ए टेंडेंसी टू अक्वायर दिस क्वालिटीज एंड शुड बिल्ड ए मोर टॉलरेंट एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ये इनका है, वेयर इज ट्रस्टवर्दीनेस, वेयर इज इंटेग्रिटी, वेयर इज ऑनेस्टी। और इसीलिए मैं अपनी बात की को अंत करना चाहता हूं, आप आए दोबारा सरकार में, आम आदमी के नाम पर आए ना, भूले नहीं होंगे आप, आपने कहा कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, अब ये 6 लाख करोड़ जो आम आदमी के जेब से गया है, जैसा मैंने कहा मुफ्तखोर के पास गया, मुनाफाखोर के पास गया, जमाखोर के पास गया, सूदखोर के पास गया, रिश्वतखोर के पास गया। क्या ये सरकार आपकी उन्हीं लोगों के लिए चल रही है? क्या आप भूल गए आम आदमी को?
अगर यहां से भ्रष्टाचार के ऊपर कठोर नियंत्रण नहीं लगेगा मैडम, तो नीचे खुला रहेगा सब कुछ। वो जो बकेट है, जो बाल्टी है, उसका कोई पैंवड़ा नहीं होगा, वो पानी गिरता जाएगा। और हमारे मित्र जसवंत सिंह जी बार बार मुझसे कह रहे थे कि नरेगा का जिक्र जरूर करना। क्यों नरेगा ही अकेले? क्यों आप जितनी स्कीम्स यहां से, आज चर्चा हो रही है, जितनी आप बेकार की स्कीम्स यहां से चलाते हैं, हाँ सब पैसा जा रहा है लोगों के। एंड करप्शन मैडम, करप्शन विल ओनली लीड टू कंस्पिकुअस कंजम्पशन। करप्शन का पैसा कहां खर्च करेंगे लोग? कंस्पिकुअस कंजम्पशन के ऊपर। और जब कंस्पिकुअस कंजम्पशन होगा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस करप्शन, यू कांट कंट्रोल प्राइसेस। सो सारे जितने मैंने कारण गिनाए, उसके साथ साथ अंत में मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार महंगाई के पीछे सबसे बड़ा कारण है, और उसके ऊपर अगर आप नियंत्रण नहीं पाएंगे, तो जैसा कि ऑलिवर क्रॉमवेल ने चार्ल्स फर्स्ट को कहा था, फॉर गॉड से गो, फॉर गॉड से, इन द नेम ऑफ गॉड गो गो। ये सदन नहीं बर्दाश्त करेगा कि हम गो गो। थैंक यू। Honorable members, Shri Vasudev Acharya and Shri Gurdas Das Gupta have